बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पटना के नौबतपुर स्थित तरेठ मठ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। इसमें भारी भीड़ और भीषण गर्मी में लोगों की तबीयत बिगड़ने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को आयोजित होने वाला दिव्य दरबार स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि कथा 5 दिन पूरे चलेगी, मगर भारी भीड़ के चलते किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए दिव्य दरबार को बंद करने का फैसला लिया गया है। फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार यहाँ लगाया जाएगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देश में जहाँ कहीं भी अपना कार्यक्रम करते हैं, वहाँ ऐसी भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा बागेश्वर कथावाचन के लिए कितना पैसा लेते हैं, आखिर उनके एक कार्यक्रम का खर्च कितना आता है। इसका जवाब खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने करीब साल भर पहले एक खुले मंच से दिया था। उन्होंने कहा था, कथाओं से संबंधित हम एक और निवेदन करेंगे कि कथाओं की तारीखें 2023 तक की फुल हैं। कोई भी ऐसी तारीख नहीं है कि 2023 के पहले हम खाली। कथाओं के नाम पर बहुत लोग बहकाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सच तो यह है कि हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी, जो व्यवस्था है सिर्फ व्यवस्था मांगी है। पंडाल ज्यादा चाहिए होता है, बहुत लोग पागल हुए रहते हैं बागेश्वर धाम के लिए, भंडारा चाहिए रहता है। कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग। बाकी हमने ये कभी नहीं कहा कि 50 लाख या 1 करोड़ देना है। व्यवस्था में चाहे जितना खर्च हो जाए, कथा बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये बेफिजूली की अफवाह, इसलिए कथाओं को वही लें जो व्यवस्था बना पाए, किसे खेल बिल्कुल ना समझे। यानी धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार वो कथा के लिए पैसा नहीं लेते हैं, जो पैसा लगता है वो सिर्फ व्यवस्था में लगता है। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वो पहले से ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि ये योग साधना का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्तियों के जरिए वो भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख देते हैं। उनका कहना है कि हनुमान जी की कृपा से वो सब कुछ सच भी हो जाता है।